Good morning, dear students. Myself, Khan sir, from Residential DAPS. We are going to talk about today's in S.st. subject, social studies subject, chapter 2. The name of chapter is Sharing and Caring. Means the chapter name is Sharing and Caring. First of all, we have to learn in these chapters sharing and caring. Here, there are two words, the sharing and caring. First of all, what is the meaning of sharing and what is the meaning of caring? Dekho, bacho, हम लोग अभी एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है शेयरिंग और केयर और साथ ही साथ हम आपको इसमें जो आपके लिए टफ वर्ड्स है टफ वर्ड्स का भी हम मीनिंग्स को अभी यहां डिस्क्राइब किए हैं हम आपको बताएंगे शेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज को शेयर करना और केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना किसी चीज को कैरी करना पकड़ना देखरेख करना देखभाल करना ठीक है ना लाइक दैट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए लाइक हियर योर फर्स्ट वर्ड इज लुक आफ्टर मींस देखभाल करना देखभाल दूसरा वर्ड से अनदर अनदर ए एन ओ टी एच ई आर अनदर अनदर मींस होता है दूसरा बोलते ना लोग टेक अनदर पेंसिल दूसरी पेंसिल दो ले लो लाइक टेक केयर का मतलब होता है ध्यान देना है ना ध्यान देना देखना इंग्लिश में एक वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं इट शुड बी डिपेंड अपॉन द सेंटेंस सेंटेंस के आधार पर वाक्य के आधार पर इंग्लिश में वर्ड्स के कई मीनिंग्स निकलते हैं टेक केयर ध्यान देना sometimes means कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना लिप सेंटेंस फिर कभी देख लेंगे तो कभी कभी है ना जैसे प्रिपेयर बोलते हैं ना कि बच्चों आप प्रिपेयर हो जाओ आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार हो जाना या बनाना किसी चीज को बनाना उसको प्रिपेयर कहते हैं ठीक है तो लेट्स आप लोग इसको पहले लिख लो लुक आफ्टर अनदर टेक केयर सम टाइम एंड प्रिपेयर ठीक है देखो एल डब्ल्यू के लुक ए एफ टी आर आफ्टर लुक आफ्टर मतलब देखभाल दूसरा वर्ड है अनदर ए एन ओ टी एच ई आर अनदर अनदर मींस दूसरा टी ए के टेक सी ए आर केयर टेक केयर मतलब ध्यान देना मतलब तैयार होना या बनाना ठीक है यहां तक समझ गए कोई दिक्कत चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड तो हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे शेयरिंग एंड केयरिंग को जानेंगे कि आपके चैप्टर 2 में शेयरिंग एंड केयरिंग कैसी स्टोरी है और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी और कैसे कैसे उसको किया जाएगा है ना देखो आपकी बुक्स है आपकी बुक्स में कहता है शेयरिंग एंड केयरिंग में पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ फैमिली पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लव वन अनदर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन दे ऑल्सो शेयर द वर्क एट होम मतलब What do you understand by? What do you understand in this topic? This topic says, ये topic कहता है, parents and children live together.
टुगेदर, बच्चे और अभिभावक, माता पिता, बच्चे, भाई बहन सब लोग एक जगह रहते हैं ना घर में। आप अपने घर में रहते हो ना, जैसे आपके घर में कौन कौन रहते हैं, मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, आप रहते हो, आपके सिस्टर ब्रदर रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली होगा, अंकल रहेंगे, आंटी रहेंगे, ग्रैंड फादर रहेंगे, ग्रैंड मदर्स रहते हैं ना, सब कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, दैट्स वेरी गुड। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, खूब झगड़ा करते हैं, दे हैव टू फाइट विद देम, नो दैट्स गुड। देखो वो क्या करते हैं, दे लव टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। पेरेंट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं ना, आप कहते हो ना मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, मम्मी मुझे केक करना है, मम्मी मुझे न्यू कपड़े चाहिए, कौन देते हैं, मम्मी पापा, दैट्स गुड। देखो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो वही चीज यहाँ कहता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर, पेरेंट्स और बच्चे एक चिल्ड्रन एक जगह रहते हैं, एक घर में फैमिली, एक फैमिली में रहते हैं। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लव वन अदर, इसी तरह से आप भी अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को, अपने आंटी अंकल्स को, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग्स करते हैं, एक दूसरे को ख्याल करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो उसी चीज को इस टॉपिक में कहा गया है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर एंड दे लुक आफ्टर एंड दे लव अनदर, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, सभी एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। अब कहता है दे ऑल्सो शेयर, अब देखो यह ध्यान देने की बात है बच्चों, शेयर, अब कौन सा वर्ड आ गया, शेयर, शेयर मीन्स S.st, शेयर है ना, इसी शेयर से आपका ये वर्ड बनता है शेयर। इसमें हम लोग ई को हटाकर ing जोड़ देते हैं, ये हो जाता है शेयरिंग। तो अभी हमें यहाँ पर एक नया वर्ड मिला ई, शेयर, S.h.a.r.e, शेयर। तो यहाँ कहते हैं they also share the work। अब देखो मम्मी पापा, like examples, let's see here, वो ध्यान से है बच्चा, देखो क्या होता है ना बाबू, आप क्या करते हो, सबसे बड़ी चीज क्या है बाबू की, बच्चों आप ध्यान दो, look at the board ना, very carefully and very sincerely, here is the new lines, they also share the work। अब हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ वर्क को शेयर करते नहीं करते, मम्मी आपसे कहती है ना बेटा एक ग्लास पानी ले आओ, दे ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, फिर मम्मी कह देती है ना आप लोगों से बेटा, लाइक एन एग्जाम्पल आयशा प्लीज पापा को एक ग्लास पानी दे दो, तो व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, पापा को एक ग्लास पानी दे दो, ये क्या हुआ, जो मम्मी ने जो वर्क था कि पापा को एक ग्लास पानी देना है, वो एक ग्लास पानी किससे दिलवाई गई, आयशा से, हु इज आयशा, आयशा इज द डॉटर ऑफ दिस फैमिली, तो आयशा इस घर की बेटी है, उसे कहा गया कि एक ग्लास पानी पापा को दे दो। ये वर्क क्या हुआ, वर्क का शेयर हुआ, काम को बांटा गया, जो काम मम्मी करती वो काम को बेटी को दिया गया, क्योंकि मम्मी क्या है, मम्मी किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व है, दूसरे काम में एंगेज है, ठीक है, समझ गए, ओके दैट्स वेरी गुड, यहां तक समझ गए ना, यहां तक समझ गए, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके, थैंक यू।